नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं जन ज्वार। देश के कुछ हिस्सों में गर्मी ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस गर्मी से हमें बचाने वाला सबसे बड़ा कवच है पानी। जल है तो जीवन है, यही हमें गर्मी से बचा कर रखता है। आखिर पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें क्यों और कितना पानी पीना चाहिए? आइए अपने इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश दें। हमारे शरीर का 65% हिस्सा पानी से बना है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उस 100 में से 65 किलो सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई रोता है तो हम उसे पानी पिलाते हैं, कोई चक्कर खाकर गिर जाए तो उसे पानी के छींटे मारे जाते हैं, फिर उसे पानी पिलाया जाता है। कोई व्यक्ति झल्लाता है तो भी हम उसे सलाह देते हैं कि यार पानी पियो। आखिर ऐसा है क्यों? पानी का हमारे जीवन में ऐसा क्या लगाव है कि हर बात में इसी की चर्चा शुरू हो जाती है? धरती पर इतना पानी है कि इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। समुद्र में, नदियों में और वहाँ जहाँ पानी नहीं दिख रहा वहाँ भी सिर्फ पानी ही है, यानी इंसानी शरीर में। लेकिन हर किसी में पानी की मात्रा अलग अलग होती है। एक व्यस्क के शरीर का करीब 60% हिस्सा पानी से बना होता है, वहीं छोटे बच्चों में 80% तक पानी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर में पानी की मात्रा भी कम होती जाती है। वृद्धावस्था में शरीर में सिर्फ 50% ही पानी होता है। इसे दूसरे रूप में हम देखें तो पाएंगे कि औसतन हम हमेशा अपने साथ करीब 45 लीटर पानी लेकर घूम रहे होते हैं। पानी हमारे शरीर की संरचना के लिए बहुत जरूरी है। खून में एरिथ्रोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती है, इन्हें अगर पानी न मिले तो ये सिकुड़ कर मर जाती हैं। इसी तरह अगर मांसपेशियों को पानी नहीं मिलेगा तो वे 70% तक सिकुड़ सकती हैं। ऐसा ही हाल हमारे मस्तिष्क का भी होगा, क्योंकि मस्तिष्क भी 70% पानी से बना है। यहाँ एक और गौर करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि हमारे मस्तिष्क और पृथ्वी दोनों में 70% हिस्सा पानी ही है। शरीर के लिए पानी बहुत ही अहम है। शरीर में पानी कम होने लगे तो आखिर क्या होगा? इससे पहले शरीर और सिर में दर्द शुरू हो जाता है। सिर दुखता है तो लोग चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं, जबकि चाय और कॉफ़ी शरीर को और डिहाइड्रेट कर देता है। ऐसे समय में आपको ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की। रिसर्च के मुताबिक हर 20 किलो वजन के बदले आपको 1 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको दिन भर में 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका मुंह सूखा सूखा सा रहता है, ऐसे में उनके मुंह से बदबू आने लगती है, कब्ज होता है, उनकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान पानी की कमी से होता है, लोग थकान महसूस करने लगते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसे समझने के लिए आप अपने छोटे बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ही वह रोने लगे तो उसे पानी पिला दीजिए, बच्चा शांत हो जाएगा। अक्सर लोग बच्चे के चिड़चिड़ा होने पर उसे पानी नहीं पिलाकर टॉफी पकड़ा देते हैं। एक तो डिहाइड्रेशन, ऊपर से चॉकलेट के रूप में शुगर की अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से बच्चा शांत होने की बजाय और खूंखार हो जाता है। तो सिर्फ पानी पी लेने से मूड में कैसे चेंज होता है, इसे भी समझना जरूरी है। जितना जरूरी हम पानी को अपने शरीर के लिए समझते हैं, असल में पानी उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है। इंसानी शरीर बहुत सी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए पानी पर ही निर्भर है। पानी शरीर में कई अहम भूमिकाएं निभाता है। ये पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। खून के जिस हिस्से को प्लाज्मा कहा जाता है वह मूल रूप से पानी ही होता है।
खून का करीब 55% हिस्सा प्लाज्मा और बाकी 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। पानी ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ठप पर जाएगा। इसके अलावा पानी शरीर से कचरा हटाने का काम भी करता है। यूरिनेशन के जरिए किडनी पानी को फिल्टर करती है और इस प्रक्रिया में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उसे यूरिन के साथ शरीर के बाहर निकाल देती है। इस तरह से हर दिन मानव शरीर कम से कम 1.5 लीटर पानी बाहर निकालता है। इसीलिए मनुष्य को पानी पीते रहना जरूरी होता है। खाने के जरिए मिलने वाले पोषक तत्वों को सोखने के लिए भी शरीर को पानी की जरूरत होती है। यानी शरीर को खाना तभी लगेगा जब आप सही मात्रा में पानी पिएंगे। आप जो खाना खाते हैं और पानी उस भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद पानी के ही साथ मिलकर ये पोषक तत्व शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। कुछ पोषक तत्व वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी नहीं मिलेगा तो ये यूं ही शरीर से बाहर निकल जाएंगे। और गर्मियों में तो पानी की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह शरीर को गर्म होने से रोकता है। जब हमें गर्मी लगती है तो शरीर नमक और पानी को पसीने के रूप में त्वचा से बाहर धकेलता है, क्योंकि गर्मी के कारण त्वचा का तापमान बढ़ा हुआ होता है। इसलिए पसीना भाप बनकर उड़ने लगता है और शरीर ठंडा हो जाता है। कुल मिलाकर पानी नहीं होता तो हम इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। शायद इसलिए कहा जाता है कि बिन पानी सब सून। सच्चाई तो यह है कि इंसान ही नहीं, बिन पानी तो धरती पर कुछ भी नहीं होता है। शायद इसीलिए जल ही जीवन है, हमारे लिए भी और हमारी पृथ्वी के लिए भी। पानी ही नहीं पिएंगे तो वजन बढ़ेगा और बीमारियां होंगी। इसलिए अगर शरीर को बचाकर और स्वस्थ रखना है तो जितना अधिक हो सके पानी पीजिए। गर्मियों में तो जितना संभव हो पानी पीते रहिए और घर से निकलते समय अपने साथ पानी रख कर ही बाहर निकलिए। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की।